हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं स्मृद्धिं च सर्वां निर्णुत्मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलीतवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहं या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वा वसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पद्म
द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। ये भी जय मां लक्ष्मी बोल जा रहे, जय मां लक्ष्मी। यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। गुजराती साधक जी, रूबी सिंह जी, स्वामी जी, अमित जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज अनिल जी नहीं आएंगे तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रह्म कुमारी और पैसा इसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्रह्म कुमारीज और पैसा, ब्रह्म कुमारीज को वित्त पोषण कैसे मिलता है। ब्रह्म कुमारियां सार्वजनिक रूप से दावा करती हैं और उन्हें उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे गैर बीके से दान तेजी से बाहरी स्रोतों से धन की मांग कर रही हैं। यानी ये लोग बोलती हैं कि इनको आध्यात्मिक ये प्रेरणा मिली है कि ये लोगों से पैसा कलेक्ट करें। तो कौन सा ऐसा ईश्वर है जो लोगों के पैसों में इंटरेस्टेड है? मतलब इस्लाम में तो जो अल्लाह है वो लोन लेता है। अब आगे देखते हैं, जबकि उनकी संपत्ति अधिग्रहण और सुसमाचार गतिविधियों का समर्थन करने वाले अधिकांश धन अनुयायियों से आते हैं, बीके डब्ल्यूएसयू सरकारों और धनी गैर बीके बाहरी लोगों से सफलतापूर्वक भूमि संपत्ति और धन की मांग की है। एक मिनट में आ रही हूं। सॉरी, मैं जरा चली गई थी। तो आप देखते हैं, तो जबकि उनकी संपत्ति अधिग्रहण और सुसमाचार गतिविधियों का समर्थन करने वाले अधिकांश धन अनुयायियों से आते हैं, बीके डब्ल्यूएसयू सरकारों और धनी गैर बीके बाहरी लोगों से सफलतापूर्वक भूमि संपत्ति और धन की मांग की है। उन्हें पवित्र को देने के लिए हिंदू परंपरा या अंधविश्वास
एक्चुअली मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, स्क्रीन के बाहर हो गया है। अंधविश्वास से काफी लाभ हुआ है और खुद को इस तरह से विपणन किया है कि वे भारतीय समुदायों को रक्षाबंधन जैसी पहचान योग्य धार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अनुयायियों को अपनी आय का 10% देने को प्रोत्साहित किया जाता है, ये बात गलत है। 50% यहाँ, या इसका मतलब ये है कि ये बाकी लोगों से कहती हैं कि हम जो है 50% हम 10% लेते हैं, लेकिन 10% ईसाई लोग देते हैं अपनी सैलरी का। यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया था कि जो बीके के अंदर के लोग हैं, जो 10-20 साल से हैं बीके में, उन्होंने ही बताया है कि ये कोई भी सैलरी वाला व्यक्ति होता है उसको बोलती है कि अपनी सैलरी के 4 पार्ट्स करो। पहला पार्ट माउंट आबू को जाएगा, दूसरा पार्ट जो लोकल सेंटर है वहां जाएगा, और तीसरा पार्ट वो व्यक्ति का होगा, और चौथा इमरजेंसी का सेविंग होगा। तो इस तरह से ये 50% ले लेती है। 25% अपने माउंट आबू को भिजवा देती है, 25% लोकल सेंटर को। तो इस तरह से जी गुजराती साधक जी, आप क्या ब्रह्म कुमार हैं, या आप उनके आपकी फैमिली में कोई ब्रह्म कुमार है या ब्रह्म कुमारी है, तो प्लीज बताइए। तो फिर मैं लिंक दे दूंगी आपको। तो अब यहाँ पर कहा है कि कई केंद्र प्रभारी काफी खर्च करेंगे, जैसा कि हमने लक्ष्मी जो एक कमला और लक्ष्मी दो, ये साउथ इंडियंस थी जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के सेंटर चलाया था। उद्देश्य 100% समर्पण करना है। मूल सिंधी समुदाय भी एक प्रसिद्ध सफल और धनी व्यापारिक समुदाय है, और हमेशा उनके सिद्धांतों का पालन न करते हुए उनकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए के लिए जाना जाता है। अन्य धर्मों जैसे कि इस्लाम के धनी व्यक्तियों से भी वित्त पोषक और दान दाता या संपत्ति मांगी गई है, जो संभवतः उनकी शिक्षाओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में नहीं जानते हैं। कर प्रणाली का उपयोग और दुरुपयोग उनके लाभ के लिए दान या धर्म के रूप में लिया गया है। यानी ये बता रहे हैं जैसे कि इन लोगों को फाइनेंसिंग कहाँ से मिलती है, तो ये इनके जो फॉलोअर्स हैं इनसे ही मिलती है। इनको सैलरी, इनकी सैलरी के आधी सैलरी खा जाते हैं ये लोग मुफ्त में, और उसके बेसिस पर इनका जीवन यापन चल रहा है। और ऐसे ही इस्लाम में भी है। इस्लाम में एक बंदा था जो अरब के देश में गया था, तो वो काफी अच्छी पोजीशन पे था, तो उसने बहुत अच्छा जो है जान जकात दी थी। तो उसने देखा कि एक गरीब आदमी था, उसने उससे भी डबल जकात दी, जो इतना गरीब था उसने। तो यानी ये उसका 90% ले लेते हैं जकात में, मतलब वो अपनी मर्जी से देता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मेरे को जन्नत में उतना ही मिलेगा। नहीं, कोई ब्रह्म कुमार नहीं हूं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये लोग प्रचार कर रहे हैं, मुझे लोगों को बचाने के लिए आपसे कुछ बात करनी है। जी, तो मैं लिंक एंड में दे दूंगी आपको। तो अभी मेरा आज का टॉपिक है ब्रह्म कुमारी और पैसा, तो आज हम पैसे की ही बात करेंगे। सुरेश कुमार जी, आपको भी राम राम। यहाँ दिल्ली में बहुत घूमस वाली गरी, हाँ बिल्कुल, बहुत गर्मी है, तो मेरे से बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त, मेरे को तो आंख में से पानी निकलने लगता है सूरज की रोशनी से। इंडिया में ही निकलता था तो अच्छा। तो मैं जो हूं ना, अब आगे करती हूँ। सीकर, आपके सोसाइटी वाले सभी भाई बन को फाइटिंग वाला स्वामी जी। उसके बाद एक और नया वीडियो भी आया है, आपने मेरा लेटेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा, एक और भी आया है, वो भी लड़ाई का है। तो एंड में, मतलब जब मैं ये टॉपिक फिनिश कर लूंगी तब। तो अभी मेरे को ये पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो अब ये वित्त पोषण कैसे मिलता है, हमने देख लिया कि सैलरी लेते हैं ये लोग, 50% सैलरी ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी कहते हैं हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हैं एक तरह से, तो ये अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दान स्वीकार करती हैं? तो बिल्कुल हाँ,
उनकी दार्शनिक, हालांकि उनकी दार्शनिक शिक्षाएं उन्हें गैर भीके से धन स्वीकार न करने के लिए सख्ती से कहती हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये लोग तो देवी देवता हैं, और जब संसार सारा प्रलय आ जाएगा और सब खत्म हो जाएंगे तो केवल यही बच रहेंगे 9 लाख बीके, और बाकी सारे मनुष्य पूरे संसार के मर जाएंगे। तो अपने आप को तो ये ऐसे कहती हैं, तो जब ये बाकियों से कहती हैं कि उनका छुओ मत, उनका खाओ मत, वो शूद्र है, तो अगर ऐसी बात है तो ये कैसे जो है वो उनका धन लेने में इनको कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाल ही में देखा गया कि ब्रह्म कुमारियां न केवल गैर अनुयायियों से दान स्वीकार कर रही हैं, बल्कि अपनी संपत्तियों को अन्य व्यापारिक और धार्मिक समूहों को किराए पर दे रही हैं, और अनुयायियों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे रही हैं, बशर्ते कि संगठन या इसके किसी मोर्चे जैसे जानकी फाउंडेशन को कमीशन का भुगतान किया जाए। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है, जैसे इनका सेंटर है उसको आप किसी भी और प्रोग्राम्स के लिए रेंट कर दो, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कमीशन का दादी जानकी फाउंडेशन या इस तरह के जो इन्होंने अपने सो कॉल्ड वो बना रखे हैं एनजीओ टाइप के, उसके लिए। वित्तीय नीतियां और निवेश। ब्रह्म कुमारी आंदोलन के साथ वित्तीय लेन देन गोपनीयता और अस्पष्टता से बंधा हुआ है। अनुयायियों को विवरण मांगने से हतोत्साहित किया जाता है, मतलब कि ये आपको पूरा उसका जो है वो डिटेल नहीं देंगे, और यदि कोई सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो वो बहुत कम होता है। क्योंकि अभी आप देखो कि ब्रह्म कुमारी जो लड़कियां किडनैप हुई थी, जो वापस आई थी, जिन्होंने अदालत में बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि जो सेंटर में होता है उसे सेंटर तक ही लिमिटेड रखें, उसको बाहर ना आने दें, बाहर किसी को पता ना चले। तो ये लोग जो है अपने सेंटर की बातें कभी नहीं बताती। और देखो शिवानी भी जो अपनी जो भी स्पीच देती है अपनी टीवी पर इधर उधर, तो वो कभी भी मुरलियां नहीं बताती है। वो अब जो पॉजिटिव एफर्मेशंस या जो आजकल के जो चीजें ट्रेंड हुई हैं वो सब बताती है, लेकिन कभी भी अपनी मुरलियां नहीं बताते। ये लोग अपनी चीजों को गोपनीय रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा आदेश है। वित्तीय मामलों को बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के, यानी कि यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको एक कुलीन आंतरिक मंडल द्वारा निपटाया जाता है। हमेशा कोई भी मामला संगठन के माध्यमों को इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से सलाह और मंजूरी मांगने के लिए भेजा जाएगा। मुख्य संगठन को सामग्री और धन वापस भेजने के लिए कई संगठन स्थापित किए गए हैं। तो इनका जो मुख्य संगठन है वो माउंट आबू ही है। धीरे धीरे ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उसके नेताओं के पास निवेश और काफी बड़े बड़े बैंक खाते पाए जा रहे हैं। यूके के शाखा मामले में 3 मिलियन से भी अधिक का अधिशेष है। तो इनके पास बड़े बड़े जो है वो बैंक्स हैं, और बड़े बड़े इन्होंने जैसे यूके में इनके पास बहुत बड़ा वो है, $3 मिलियन का निवेश है। मैं आपको ना एक चीज और भी दिखा दूं, मुझे याद आया कि इनका बैंक की आपको तस्वीर दिखाती हूँ इनके बैंक की। बहुत जल्द वो समय भी आएगा जब सभी अपना सब कुछ ईश्वरीय बैंक में जमा तो करना चाहेंगे, पर ये बैंक बंद हो चुका होगा, यानी कि गॉडली बैंक बंद हो चुका होगा, इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये गॉडली बैंक है इनका, गॉडली बैंक नाउ क्लोज्ड। ये कह रहे हैं कि दुनिया के सारे लोग इस बैंक में आके जमा करना चाहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, ये 5,000 साल बाद खुलेगा ये बैंक फिर से। यहाँ लिखा है गॉडली बैंक इज नाउ क्लोज्ड, इट विल ओपन आफ्टर 5,000 ईयर्स। तो ये गॉडली बैंक है इनका, और मधुबन शिव बाबा के घर में सब धन का सहयोग अवश्य करें, ये भगवान का कहना है। तो ये गॉडली बैंक है भाई, सारे लोग जो हैं खूब खूब यहाँ पैसा दो,
नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर आप टापते रह जाओगे, इस लाइन में लगे रह जाओगे, और ये 5,000 साल तक अब दोबारा आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो भाई देखो, ये है इनका पूरा ईश्वरीय बैंक, जहां ये सब लोगों से कहते हैं कि आप पैसे दो। फिर आगे चलते हैं। वैश्विक नेता जानकी कृपलानी, यानी कि ये ग्लोबल फेमस है, 1930 के दशक में संगठन के सामने आत्मसमर्पण करने और कभी नौकरी न करने के बावजूद हाल ही में एक निजी बैठक में निजी बैंक खाते रखने की सूचना मिली थी। तो ये 1930 में इसने समर्पण किया था, जानकी दादी ने, और इसके बाद ये लोग तो कहते ही नहीं है कि तुम काम करो, बस यही सेंटर पे झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाओ धीरे धीरे करके। तो ये दादी जानकी ने तो किया भी नहीं होगा, ये तो शुरू से ही मतलब हाई पोस्ट पर रही है, तो इसके पास निजी खाता है, जबकि इसने एक दिन भी जॉब नहीं करी। ये है इनका हाल। तो अनुयायियों को अपना पैसा और बीमा पॉलिसी समर्पित करने, यहाँ तक कि संपत्ति दान करने, मुफ्त में काम करने और शिक्षा और कैरियर की महत्वाकांक्षाओं को त्यागने को प्रोत्साहित करते हुए अन्य ब्रह्म कुमारियों के नेता अपने विशेषाधिकार प्राप्त पद को बनाए रखने के लिए निजी पेंशन पर निर्भर पाए गए हैं। BKWSU संगठन कम से कम अपने माउंट आबू मुख्यालय में संपत्ति, सट्टेबाजी और विकास से भी लाभ उठाता हुआ प्रतीत होता है। तो देखो, यहां पर लोगों ने अपनी बीमा पॉलिसी में सब इनको नॉमिनी बना दिया है, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है, जबकि उनके अपने बच्चे हैं, और इनको कोई शर्म नहीं है। ये तो कहती हैं कि भाई लोग हमें डोनेट करते हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, तो तुम लेते भी क्यों हो? अगर तुम अमीरों से 1,000 लो और गरीबों से 100 ले लो, मतलब अगर आप साधु संतों को देखो जो सचमुच में आध्यात्मिक होते हैं, अगर आप उनको कुछ देना चाहो तो वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जितना गुजारे लायक उनके धन की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करते हैं। लेकिन ये लोगों का मुंह जो है बंद नहीं होता, ये मांगते ही चले जाते हैं। अब पूछोगे, जैसे राजीव जी है, उनकी पूरी फैमिली का सारा पैसा इन्होंने रख लिया। इनको अगर अगर इनकी जगह मैं होती, सपोज मैं तो कोई आध्यात्मिक इतने लेवल की भी नहीं हूँ, जो मेरे से भी कहीं ज्यादा लोग होंगे वो तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, पर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बता रही हूँ कि जैसे मान लो अब से कुछ साल पहले भी मैं अगर थी, जब मैंने आध्यात्म में बहुत ज्यादा कुछ करा भी नहीं था, अगर तब भी मुझे कोई ऐसे पैसे देता तो मैं उससे उतने ही लेती जितना कि मुझे उस समय जरूरत है, जो बिल्कुल मेरे को, क्योंकि हमें किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए और ना देना चाहिए ज्यादातर। तो मतलब अगर कोई मांगने आ जाए तो बात अलग है, पर वैसे हमें जो है अपने कर्म जो है लिमिटेड रखने चाहिए और बैलेंसिंग रखनी चाहिए। तो किसी से अगर आपने लोन लिया है, चाहे बैंक भी हो, तो उसका तुरंत लोन चुकाना चाहिए, हमेशा बिना लोन के और बिना उससे अपना कार्य करना चाहिए। इतना तो मुझे बचपन से ही पता था। तो हम अगर कोई चीज ना भी हो तो हम उसके बिना ही रह लेते थे, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। पर अगर कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में हो और वो मांग भी रहा है तो वो उतना ही मांगेगा ना जितना उसको आवश्यकता है। ये थोड़ी ना कि तुम दूसरों से लेते ही चले जा रहे हो, मतलब तुम्हारा मुंह अजगर का मुंह है, जालते ही जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग पैसा ये चाह रहे हैं। अगर सतीश जी, आपका स्वागत है। इस बैंक में मेरा कुछ पैसा जमा है, क्या ये बैंक विड्रॉल की सुविधा देता है क्या? ये तो आप ही बताएंगे, आप XB के रह चुके हैं। मैं तो बल्कि आपको एक इनवाइट दे देती हूँ, यहाँ पर यहीं पर दे देती हूँ, क्योंकि एक दो लोग और भी मांग रहे थे, और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ, इस गॉडली बैंक को। तो मैंने लिंक दे दिया है सतीश जी, आप आ सकते हैं, और ये गॉडली जो बैंक है इसके बारे में तो आप ही ज्यादा बता सकते हैं। गुजराती साधक जी, आप एंड में ज्वाइन करना, अभी यही टॉपिक है, तो इसी टॉपिक पर जिन लोग सुन रहे हैं वही ज्वाइन करें तो सही है। स्वामी जी, आप सट्टा खेलता था। हाँ, ये लोग और भी काम करते थे। इंदिरा जी, आपका बहुत स्वागत है। एक्चुअली में तो इंदिरा जी आज सभा रखनी चाहिए थी, पर मैं आपको लिख नहीं पाई थी पहले से, तो मुझे मैंने स्टार्ट कर दिया। और अनिल जी आने वाले थे, लेकिन वो अब कल आएंगे शायद।
नहीं तो आप सभा अगर कर सके तो कल सभा करने का मुझे कंफर्म कर दीजिए कि कल आप XB के सभा करेंगे इंदिरा जी, मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो BKWSU संगठन कम से कम अपने माउंट आबू मुख्यालय में संपत्ति सट्टेबाजी और विकास से भी लाभ उठाता प्रतीत होता है। बड़े पैमाने पर नकदी अर्थव्यवस्था वाले एक समय पर भारत सरकार ने BK केंद्रों से दान पेटियां हटाने के लिए कार्रवाई की। भारतीय अनुयायियों को विशेष रूप से चांदी और सोने के आभूषणों के उपहार देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें से कुछ को VIPs को उपहार के रूप में दिया। अच्छा, मतलब ये क्या करती हैं, चूंकि गृहणियां जो होती हैं उनका जनरली ये होता है ना कि वो लोग आभूषण पहनती हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम आभूषण दे दो और फिर ये वो आभूषण VIPs को दे देते हैं। ठीक है, तो मैं कंफर्म समझती हूँ। और अगर अनिल जी आएंगे ना इंदिरा जी, तो उनको ले लेना, फिर उनकी पूरी स्टोरी आप सुन लेना। फिर मैं थंबनेल चेंज करके XB के सभा की जगह अनिल जी का कर लेंगे और फिर XB के सभा परसों रख लेंगे, लेकिन दोनों आप ही कंडक्ट करना। तो कल आप ही करोगे, अगर अनिल जी आ जाएं तो उनको प्रेफरेंस दे देना। नहीं मतलब आप ही कंडक्ट कर लेना, अगर अनिल जी आ जाएंगे तो उनकी स्टोरी आप सुन लेना, और अगर नहीं आते हैं तो आप XB के सभा की तरह कंडक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर इनवाइट, बट मैं क्लास में हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो VIPs को ये उपहार के रूप में ये आभूषण दे देते हैं, ये नहीं पता कि बाकी का क्या हुआ। व्यक्तियों और संगठन द्वारा विशेष रूप से उनके राजस्थान मुख्यालय के आसपास संपत्ति सट्टेबाजी और विकास से लाभ उठाने की 3 रिपोर्टें मिलती हैं, यानी इनके पास थ्री एटलीस्ट, नहीं थ्री नहीं है, अन्य है, अन्य इनके पास कुछ रिपोर्टें हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग सट्टेबाजी वगैरह भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि BKWSU कितने धनी है, कोई बता सकता है कितने धनी है? भारत में ब्रह्म कुमारियों को एक धनी धर्म माना गया है और धनी अनुयायियों को लक्षित करता है। मतलब इनका टारगेट अगर देखो तो ऐसी विमेन है जो उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, जो अमीर सिंगल वुमन है ये उनका सबसे अच्छा टारगेट है, या फिर कोई विडोअर है। उदाहरण के लिए UK में BKWSU के पास खातों में 3 मिलियन 16 मिलियन पाउंड की संपत्ति और 200 पता नहीं क्या 2 बिलियन का दान प्रतिवर्ष है। भारत के लिए आंकड़े ज्ञात नहीं है, लेकिन BKWSU को एक धनी धर्म के रूप में जाना जाता है और मध्यम वर्ग के अनुयायियों को लक्षित करना है। यदि आपको स्थानीय राशि के बारे में पता है तो हमसे संपर्क करें। क्या BKWSU दान वितरित करता है? क्योंकि अब देखो ये इतने सारे अनुयायी इनसे दान लेते हैं, अब चर्च को भी लोग देते हैं, तो चर्च क्या करते हैं, जैसे पेरू में यहाँ वहां जो गरीब होते हैं उन पे जाकर ये लोग चीजें प्रोवाइड करवाते भी हैं। चर्च कम से कम ये काम करते हैं, आपसे धन लेकर फिर वो विदेशों में जो गरीब देश हैं वहां के बच्चों की या इधर उधर के लोगों की मदद करते हैं। हालांकि उनका अपना स्वार्थ होता है कि उनको अपना ईसाई मजहब फैलाना है, उसके वजह से वो करते हैं, पर जो भी है वो करते हैं। तो क्या ये ब्रह्म कुमारियां भी दान करती हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखते हैं, नियमानुसार नहीं। दान के लिए धन देने के लिए ऐसे कर्म खाते बनाना बुरा माना गया है, जबकि ब्रह्म कुमारियों को धन संपत्ति और निशुल्क श्रम दान करने को सर्वोच्च कर्म और मुक्ति प्राप्त होती है। यानी ये कहते हैं कि तुम सेंटर पर आओ, फ्री में श्रम श्रम करो, और तो और जो कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये उसकी भी सेवाएं ले लेते हैं फ्री में, उसको पैसे नहीं देते। उसे कहते हैं तुम फ्री में ये कर जाओ वो कर जाओ, क्योंकि तुम तो भाई उसके लिए कर रहे हो, अपने शिव बाबा के लिए, तो भाई मुफ्त में सेवा करवाना। अच्छा, आपको पता है यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ आप, तो कोई, मैं सोचा मेरा ये प्लग वो कर दे डबल वाला, एक और प्लग लगा लगा दे मेरे लिए, तो मैंने पूछा कि $10 में कोई कर जाएगा, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने सोचा कि अच्छा $10 में भी नहीं करेगा, $25 में भी नहीं करेगा, ये लोग मिनिमम जो है यहाँ पर आवरली वेज तय है, जो मिनिमम वेजेस हैं वो तो उनके लिए है जो स्पेशलिटी स्किल्स नहीं जानते,
यानी कि अगर मान लो किसी से बाथरूम साफ करवाना हो जिसमें कोई स्किल नहीं है, ऐसे काम के लिए भी यहाँ पर अभी मुझे रेट नहीं पता, $15 पर आवर से कम आप दे नहीं सकते। तो $15 मिनिमम वेज है अगर, और मिनिमम वेज मतलब आपको 1 घंटे का उसको देना ही है, तो जो अभी $20 हो, सॉरी मैं 15 बोल गई, $20 है, $20 है मिनिमम वेज, तो आपको $20 तो देने ही है। और कई लोग लिखते हैं कि अगर हम आएंगे तो 2 आवर्स से कम का नहीं लेंगे, यानी कि फिर $40 लेंगे ही लेंगे वो, और चाहे वो काम 5 मिनट का ही करें। तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्पेशलाइज स्किल्स हैं, वो $100 या $200 या $250 जो भी उनके चार्जेस हैं वो लेते हैं, चाहे वो 2 मिनट का भी काम करें। तो यहाँ पर स्पेशलाइज स्किल्स के बहुत पैसे हैं और ये लोग मुफ्त में उनसे काम करवाती हैं, और खूब प्लम्बर या वहाँ जो भी श्रम है, और दान किसी को नहीं देती, किसी भी गरीब को, बल्कि कहती है कि तुम दान दो हमें, लेकिन वो आगे किसी को नहीं देंगी, क्योंकि वो कहती है कि कर्म का खाता बुरा बन जाएगा तुम्हारा, तो हम तुमको दान नहीं देंगे। और इस तरह सारा पैसा ये लोगों का ले लेती है पर किसी को देती नहीं है। और बल्कि उषा जी तो बता रही थी कि किसी कोई गरीब रिक्शे वाला था या किसका उन्होंने खाना खिला दिया, तो उस बात को इन्होंने उसको खूब डांटा। जैसा कि कई लोग इसे अपना चेहरा बचाने का प्रयास करते हैं, चेहरा बचाना मतलब कि बचते हैं कि इस चीज को आंसर ना करे, BKWSU ने भारत में सुनामी के बाद कुछ धन और सामान दान किया था। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो इन्होंने सुनामी के बाद जो थोड़ा धन दिया था वो किसको दिया था? ये मैं क्विज पूछ रही हूँ, ये क्विज है, मैं देखती हूँ कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं कि सुनामी के बाद इन्होंने किसको धन दिया था। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, हिंट दे रही हूँ, इंडोनेशिया के मुसलमानों को। ये समझा जाता है कि ये मौजूद सामान्य संग्रह से नहीं बल्कि अनुयायियों द्वारा दिए गए विशेष दान से लिए गए थे। एक वर्ष में जबकि BKWSU गरीबी उन्मूलन के लिए स्थापित एक चैरिटी ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए 2 मिलियन से अधिक दान एकत्र किए, इसके आपातकालीन राहत सहायता में केवल 20,000 पाउंड से अधिक वितरित किए। सार्वजनिक खातों में गरीबी उन्मूलन के किसी भी कार्यक्रम का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि इन्होंने गरीबी मिटाने के लिए कभी कुछ नहीं दिया, और 2 मिलियन का जब इनको लाभ हुआ तो इन्होंने 20,000 पाउंड ही खाली डोनेट करे। और जो मैं इंडोनेशिया के सुनामी के बता रही हूँ उसमें इन्होंने 60,000 पाउंड दिए। और इसके अलावा ये गरीबी मिटाने के लिए या कॉमन चीजों के लिए नहीं देती, और इन्होंने मुसलमानों को दिया, हिंदुओं से धन लो और मुसलमानों को दो। वसीयत और संपत्ति, BKWSU नेतृत्व, अब इनकी जो वसीयत और संपत्ति है किसको जाएगी? BKWSU नेतृत्व नियमित रूप से सभी अनुयायियों को संगठन के पक्ष में अपनी अंतिम वसीयत और गवाही लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि भविष्य में धरती पर स्वर्ग में धन कमाने और उच्च पद पाने के लिए संपत्ति को पंथ को छोड़ दिया जाए, भले ही उसके उनके जीवित आश्रित और वंशज हों। क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया ये लाइन, दोबारा से पढ़ती हूँ। BKWSU नेतृत्व नियमित रूप से सभी अनुयायियों को संगठन के पक्ष में अपनी अंतिम वसीयत और गवाही लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ तक का मतलब ये है कि ये जो संस्था है ये सारे अपने अनुयायियों को बोलती है आप अपनी लास्ट विल लिख लो, ताकि भविष्य में धरती पर स्वर्ग में धन कमाने और उच्च पद पाने के लिए संपत्ति को पंथ को छोड़ दिया जाए, भले ही उनके। अच्छा, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि ये कहती है, जैसे मान लो कि कोई परिवार है उसका कुछ लोग जो है इनके फॉलोअर्स हो गए हैं, सारा परिवार तो नहीं हुआ है। अब जैसे राजीव जी का एग्जांपल ले लो क्योंकि ये यहाँ पर ठीक बैठता है। अब जो राजीव के फादर है वो ब्रह्म कुमार है, और उनके जो वाइफ है और बच्चे हैं वो तो नहीं है, तो ये कहते हैं आप अपना लास्ट विल लिख दो कि, और सारी संपत्ति जो है वो इस संस्था के नाम लिख दो,
ताकि स्वर्ग में आपको जो है वो स्थान प्राप्त हो। तो जबकि आपके जीवित वंशज मौजूद हैं, यानी कि अब इसके राजीव के फादर के बच्चे और बीवी मौजूद हैं, तो उनके लिए मत छोड़ो कुछ भी। अपनी लास्ट विल अभी लिख दो कि अचानक आपकी मौत हो तो संस्था तकाजा करके और आपका सारा धन ले ले सके, जैसा कि एरिक शॉफर केस में हुआ था। और यह अनुयायियों को ऐसा करने के लिए एक मानकीकृत वसीयत प्रदान करता है। तो इनके लॉयर्स हैं पूरे, उन्होंने ऐसी विल बना के रखी है जो सेल्फ एक मतलब जैसे टेम्पलेट होता है ना, ऐसा बना के रखा है कि उसमें लोग अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कर दे कि मैं अपने साउंड माइंड और बॉडी से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी सारी संपत्ति जो है वो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के फलाने सेंटर को देता हूँ, और ये मैं अपने पूरे होशो आवास में ऐसे ऐसे करके पूरे जो लीगल लैंग्वेज है उसमें ये लोग इन्होंने टेम्पलेट बना रखा है। जबकि संगठन अपने अनुयायियों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान करता है और देखभाल को भौतिक परिवार पर छोड़ देता है। यानी कि ये तो और भी बदमाशी है कि मतलब अगर कोई बूढ़ा हो जाए और जो बहुत मराऊ हो जाए तो फिर वो उसको उसके परिवार के पास छोड़ आते हैं, या सेंटर नहीं देखभाल करता, सेंटर जो है डॉक्टर डॉक्टरी इलाज नहीं करवाता ये लोग, जब असली वो अब तुमने अपना सारा जीवन इनको दे दिया और जब तुम बूढ़े हो गए और मराऊ हो गए तब ये तुम्हारे भौतिक घर के लोगों के पास तुम्हें छोड़ देंगे, संपत्ति लिखवा लेंगे। लेकिन जबकि संगठन अपने अनुयायियों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान करता है और देखभाल को भौतिक परिवार पर छोड़ देता है, ऐसी स्थितियों में कुछ विधवाओं को केंद्रों में भी के भीतर खाना पकाने के पदों की पेशकश की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्या वास्तव में BKWSU द्वारा कोई वित्तीय अपराध किया गया है, मतलब क्या इन्होंने कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है? हाँ, ओ माय गॉड, ज्यादातर ब्रह्म कुमारी के भीतर किसी भी विवाद की तरह इसे नेतृत्व द्वारा कवर कर दिया जाता है, और BKWSU के अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में इस बारे में खुलकर बात नहीं की जाती है। भारत में ब्रह्म कुमारी हालांकि आजीविका के लिए काम नहीं करती है, लेकिन इसे मध्यम वर्ग के अनुयायियों को लक्षित करने वाला एक बहुत ही धनी धर्म माना जाता है। इनमें कर धोखाधड़ी, तो अब इसने इन्होंने फाइनेंशियल क्या क्या अपराध किए हैं, एक तो इनकम टैक्स में धोखाधड़ी और गबन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाभ या आराम के लिए बीके अनुयायियों से पैसा लेना के सुस्थापित आरोप शामिल है। अच्छा, आपको मैं एक बार बताऊं कि यहाँ पर जो है एक बार मैं उसमें काम कर रही थी सोबीज में, बहुत पहले की बात है, मैं अपने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मुझे सपोर्ट रेंट देने के लिए मैं जो है सोबीज में काम शुरू किया था क्लर्क का, जैसे ग्रोसरी चेकआउट क्लर्क ना, जो आपकी सब्जी चेकआउट करते हैं। तो वहां पर बहुत रात की जो लंबी, कई लोग नहीं आते हैं तो उनकी भी आपको वो करनी पड़ती है शिफ्ट, क्योंकि जो है हम लोग टेम्परेरी वैसे वर्कर्स हैं तो हम चाहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा आवर्स मिले ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले। तो ऐसे ही कोई बच्चे थे दो, जो स्कूल के बच्चे भी करते हैं वहां पर, तो स्कूल के बच्चे थे जो दो, वो अलग शिफ्ट कर रहे थे, तो रात की भी शिफ्ट थी, 24/7 था वो तो 20, तो वो रात की शिफ्ट कर रहे थे। तो जैसे वहां पर बड़े बड़े डोनेशन के ऐसे बने होते हैं, मोनोज कहते हैं उनको, जैसे बड़ा सा पिंजड़ा जैसा होता है ना, जैसे केज, उसका ऊपर का वो हटा दो, तो वो ऐसे बड़े मोने मोनोज होते हैं, उसमें डाल दो कैन फूड, डाल दो पास्ता, डाल दो कुछ भी, मतलब तो वो गरीबों को जाता है। तो उन्होंने ना कुछ खा लिया उसमें से, तो उनको फायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस बात का बहुत वो है कि अगर आपने मान लो सेल्वेशन आर्मी को कोई चीज डोनेट करी है तो भाई वो सेल्वेशन आर्मी को ही डोनेट करिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और ले जाए, और मान लो वो भी बहुत गरीब है और वो कोई और चैरिटी का लेता है, लेकिन फिर भी वो नहीं ले सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने डोनेट किया उसने अपने मन में सोचा कि मैं देना चाहता हूँ सेल्वेशन आर्मी को, तो उसकी चाहत सेल्वेशन आर्मी को देने की थी, ना कि उस व्यक्ति को देने की। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को एक अपराध माना जाता है। अगर किसी ने अभी अभी इस चीज को ब्रह्म कुमारी संस्था पे लगाए कि लोग ब्रह्म कुमारी संस्था में देते हैं कि भाई चलो गरीबों के पास पहुंच जाएगा ये पैसा,
और ये खुद अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवाना या एसी गाड़ियों में घूमना या अपने आराम के लिए उस पैसे को खर्चती हैं, आप मुझे बताइए कि ये क्या उचित है? क्या दूसरों से डोनेशन लेकर उस पर ऐश्वर्य से रहना, क्या ये उचित है? कोई मुझे नीचे बताएं कि क्या आप इसको उचित समझते हैं कि दूसरों से आप धन लो और उसको पर्सनल कंफर्ट के लिए खर्चो? अच्छा, पर्स लेदर के रखो। कई पूर्व सदस्य नेतृत्व को अपमानजनक मानते हैं और दुनिया के अंत की झूठी भविष्यवाणियों के आधार पर अनुयायियों का आर्थिक शोषण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि ये लोग कहते हैं कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब तो पैसा रख के क्या करोगे, हमें दे दो सब। उनका मानना है कि उनके पास उसी की विफलताओं को छिपाने का स्पष्ट इतिहास है। कई केंद्र सतह पर दान के रूप में काम करते हुए और दान स्वीकार करते हुए वास्तव में निजी तौर पर खुद के घर हैं जिनके मालिक निजी बंधक का भुगतान कर रहे हैं, और अनुयायियों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि कई लोगों के खुद के घर हैं, लेकिन अब उसका पैसा वो भर रहे हैं, लेकिन वो घर जो है वो संस्था के नाम है, जैसे संस्था ने उसमें गीता पाठशाला खोल रखी है। निशा भार्गव कह रही है बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं उस बात का जवाब था कि भाई कि इसको उचित मानते हैं कि नहीं, कि लोगों से तो डोनेशन ले लिया कहकर और उससे आप लेदर के पर्स खरीद रही हैं, अपने पेडिक्योर मैनिक्योर करवा रही हैं, हेयर डाई लगा रही हैं, तो ये उसको उसमें आप खर्च कर रही हैं, तो ये कोई उचित बात नहीं है। आगे देखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों से जुड़ी संपत्ति घोटालों और आव्रजन स्थिति से संबंधित सौदों के मामले दर्ज किए गए हैं। एक बता दूं कि यहाँ पर एक लड़का आया था, उसने ये कहा था कि कई जो वरिष्ठ दादियां हैं वो लोग जो डोनेशन करते हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है अपने पर्सनल रिश्तेदारों को भेज देती हैं उसमें से मार के पैसा। और ये लोग, अरुण जी ने भी एक बार ये बात बताई थी कि ये लोग क्या करते हैं कि हमारा टीवी पुराना हो गया या हमारा फलानी चीज पुरानी हो गई, या आपके से पैसों की जरूरत है, हमारी ये चीज टूट गई है, फिर वो चीज भी ले लेंगे दूसरे से सेकेंड हैंड और चीज के लिए, नई चीज के लिए पैसा भी ले लेंगे। जैसे मैंने टीवी का एग्जाम्पल लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं और कौन सा एग्जाम्पल लूं। तो जैसे मान लो वाटर कूलर है, ये कहेंगे वाटर कूलर जो है हमारा टूट गया है। अब मान लो टूट गया हो सचमुच में और ये कहें वाटर कूलर टूट गया है, तो वाटर कूलर के लिए पैसे भी ले लेंगे और वाटर कूलर कोई डोनेट भी कर देगा तो वो भी रख लेंगे और पैसा भी रख लेंगे नए वाटर कूलर का। तो दोनों तरह से फायदा उठाते हैं, इस तरह का भी फायदा उठाते हैं। और जो वरिष्ठ दादियां हैं वो अपने पर्सनल रिश्तेदारों को पैसा भिजवा रही थी, ये भी जो है मामला आया था। तो वरिष्ठ सदस्यों से जुड़ी संपत्ति घोटालों, तो यहाँ पर ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोगों ने किया है। इन पर चर्चा करने में मुख्य समस्या ब्रह्म कुमारी नेतृत्व की अस्थिर और भ्रामक स्थिति है, जिसके कारण यह कहना असंभव है कि ऐसी घटनाएं BKWSU द्वारा की गई थी या उनमें शामिल व्यक्तियों द्वारा। जो आम प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं वे हैं गरीब अनुयायियों को न केवल बचत बल्कि आभूषण सोना चांदी आदि दान करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि लोग नकदी नहीं रखते ना, ज्यादातर कई लोग आभूषण रखते हैं, स्पेशली गृहणियां जिनको ये टारगेट करते हैं, तो उनसे कहते हैं तुम अपने सारे जेवर दे दो। अच्छा, लोग पुराने जमाने में जेवर इसलिए बनाते थे क्योंकि गृहणियां जो है पैसा रखना मुश्किल होता है, तो ये जेवर इमरजेंसी के टाइम में काम आएंगे, इसलिए हमारे यहाँ ये प्रचलन था कि ये जेवर जो है स्त्रियां रखती थी आभूषण, तो जो है फैमिली को कभी इमरजेंसी हुई तो आभूषण बेच के पैसा रख लिया, तो इस तरह से करती थी। लेकिन ये लोग क्या कहती हैं, गृहणियों को टारगेट करती हैं जो मध्यम वर्ग की हों और उनको, और जो स्पेशली विडोअर्स हों, और उनको बोलती है कि तुम अपने सारे आभूषण दान दे दो, यानी पूरी तरह अपंग हो जाओ ताकि तुम निकल ही ना पाओ सेंटर से। अभी कोई फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी तो वो निकल पाएगा। तो जिनका उपयोग भारत में
वीआईपी के लिए उपहार के रूप में किया जा सकता है और नेतृत्व द्वारा दुनिया के आसन्न और वांछनीय अंत की भविष्यवाणी के बावजूद संपत्ति का अधिग्रहण करना। यानी कि यहाँ दो बातें कही हैं कि ये लोग जो आभूषण लेती हैं उनको जो वीआईपी इनके आते हैं उनको दे देती है, जैसे किसी को प्लीज करना हुआ, कोई बड़ी आई बॉलीवुड की आई उसको दे दिया कुछ और उससे और अपनी खूब वो करवा ली कि देखो ये ब्रह्म कुमारी हो गई है, फलानी जो शहनाज गिल है ये हो गई है ब्रह्म कुमारी, गले मिलते तस्वीरें दिखा दी, ये किया वो किया। अच्छा, और दूसरे क्या, ये एक आध्यात्मिक प्लेस है अगर, और कहती है दुनिया की प्रलय होने वाली है, फिर भी संपत्तियों में इनका इतना इंटरेस्ट है। BKWSU के पास वित्तीय निवेश भी है, मतलब पैसों का इन्वेस्टमेंट भी है जो अनुयायियों से गुप्त रहते हैं और उन पर चर्चा नहीं की जाती है। अब ब्रह्म कुमारी की मान्यताएं तो ये अगला टॉपिक हो जाएगा, तो बस वित्तीय में मुझे यही डिस्कस करना था। और मैं लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, कोई ऊपर आके बात करना चाहता है तो उसके वो भी बोल सकता है, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। हाँ, कल आने वाले थे पर ये लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, हमारा हम तो यहाँ पर थंबनेल चेंज करने बैठे हैं। जय श्री राम अमित जी, गुजराती सीकर जी, रूबी सिंह जी, जय श्री राम, गुजराती साधक जी, राम राम, स्वामी जी प्रणाम, स्ट्रीम लिंक दे दिया है, उर्मिला गोयल जी राम राम, महेश्वरी सिंह जी राम राम, मूछों वाले पाकिस्तानी बाबा जी, आपको भी सेंटर में लोगों को अगले जन्म में कुबेर होने का लालच देकर पैसा लूट लेते हैं। हाँ, आप सब लोग खूब पानी पिया करो क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, मैं पी नहीं पाती हूँ, वो एक गिलास यहाँ रखा रहता है उसमें तो पी लेती हूँ, यहाँ पर बैठी रहती हूँ तो। सीकर जी प्रणाम, स्वामी जी आपको प्रणाम, नीलम शर्मा जी राम राम, मैंने लिंक दे दिया है, गुजराती साधक जी आप आ सकते हैं ऊपर, सुरेश कुमार जी यहाँ दिल्ली में, हाँ बिल्कुल दिल्ली में तो बहुत ही होगी, यहाँ पर कोई पोल्यूटेंट नहीं है ना, तो यूवी रेस बहुत जल्दी काले हो जाते हैं बाहर जाओ तो, क्योंकि यूवी रेस बहुत प्योर और एकदम से पड़ती हैं, इंडिया में जो पोल्यूशन है वो रोक लेता है यूवी रेस को। नहीं, कोई ब्रह्म कुमार नहीं हूं। हाँ, आपके सोसाइटी वाले सभी भाई, हाँ फाइटिंग वाला नया वीडियो भी आया है इनका। ठीक है गुजराती साधक जी, अब आप आ सकते हैं क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, अब आप आ सकते हैं। इंदिरा जी भी कुछ बोलना चाहे तो आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अंशिका सक्सेना जी, दिखा दीजिए नया वीडियो लड़ाई वाला, पर वो आज के टॉपिक से तो लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड नहीं है आज के टॉपिक से। निकालो। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मैं दिखा देती हूँ, शायद ये मैंने किसी और उसमें दिखाया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वीडियो, अब मेरे पास वो तो है नहीं, एक मिनट, ये नहीं है। ओके, तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, और ये क्या है, ये इनकी दिव्यता के दर्शन, ये इनकी दिव्यता के दर्शन है। गुजराती सीकर जी मैं, साधक जी मैं आपको लेती हूँ, एक सेकंड, मैं ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, तो रुकिए।
सॉरी क्या बहुत हो गया तुम्हारी तो फिर क्या होगा एक बार लक्ष्मी बोल दो चुप देख लिया आप लोगों ने इनके दिव्य दर्शन जी फ्रॉडस्टर बैंक गुजराती साधक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं हेलो बोलिए ये जो लेखराज है उन्होंने जो रेप किया था उसके कोई प्रूफ है हाँ हाँ वो तो मैंने स्ट्रीम में दिखाया ही हुआ है कौन सी स्ट्रीम में जो है वो अपहृत लड़कियां पार्ट वन पार्ट टू आप मुझे व्हाट्सएप या नहीं व्हाट्सएप टीम में आपको यहाँ पर लिंक दे देती हूँ रुकिए एक सेकंड में मैंने ईमेल में मुझे सब प्रूफ चाहिए तो आप दे सकते हो जितने भी वीडियो होंगे मेरे पास सारे प्रूफ हैं बिना प्रूफ के तो मैं बात ही नहीं करती क्योंकि किसी के ऊपर बात करना बिना प्रूफ के ये एक बुरी बात है सही बात है लेकिन जितने भी मार झूठ वाले जितने भी है सभी मुझे चाहिए अच्छी क्वालिटी में ये देखो ये मेरा वो है प्लेलिस्ट इसमें जाइए धोखाधड़ी वाले में तो धोखाधड़ी वाला दिख रहा है लिखा होगा धोखाधड़ी उजागर ये रहा धोखाधड़ी उजागर तो इसके अंदर है अराउंड 71 जो है वीडियोस हैं इसमें शिरडी साईं बाबा ब्रह्म कुमारी लूट पाखंड इसमें तो मैंने पूरा इनका बैकग्राउंड बताया है ब्रह्म कुमारी लूट पाखंड ठीक है अभी आप बोल रहे हो ना कि जिसमें मैंने प्रूफ दिखाया है वो ये है 1940 से प्राप्त दस्तावेज को ब्रह्म कुमारी संस्था का पर्दाफाश करते हैं ठीक है तो ये कौन सी साइट पे मिल जाएंगे दस्तावेज ये मैंने इसमें खोल के दिखाए हैं अपनी स्ट्रीम में तो ये मैंने स्ट्रीम यहाँ पर यहाँ प्लेलिस्ट का वो बल्कि स्ट्रीम का एक मिनट ये देखिए अपहृत लड़कियों द्वारा अदालत में दिए गए बयान पार्ट वन और पार्ट टू ये तीन आप देख लो 1940 से प्राप्त दस्तावेज और अपहृत लड़कियां पार्ट वन पार्ट टू ये तीनों आप देख लोगे इसमें मैंने खोल खोल के पढ़ा है पूरा डॉक्यूमेंट दिखा के ठीक है मुझे आपको एक सजेशन देना है आप एक टेलीग्राम पे चैनल बना दीजिए और जितने भी प्रूफ है वो सब आप अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध करवा दीजिए कि कोई भी व्यक्ति वहां से डाउनलोड कर सके ठीक है मैं ये चाहता अच्छा, आप दिखा दोगे तब भी ये आपको मानेंगे नहीं तुरंत बोलेंगे कि ये तो गलत है क्योंकि ये हर सही बात करते हैं और लेकिन ये क्योंकि आप आरटीआई निकाल लो आरटीआई बहुत पैसे नहीं लगते 28-30 रुपए लगते हैं बस आरटीआई डालो निकलवा लो कोर्ट से दोबारा से मैंने कब मना किया है ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो वीडियो है जितने भी वीडियो है ब्रह्मा कुमारी के उन सबके अच्छी क्वालिटी में अगर आप टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दोगे तो सबके पास पहुंच जाएंगे वहां पे टेलीग्राम में आप एक बार अपलोड करते हो तो वो सबके पास पहुंच भी जाते हो डिलीट भी नहीं होते आपको टेलीग्राम के विषय में कुछ मालूम है मुझे मेरे पास था टेलीग्राम पर मैं अभी यूज नहीं करती टेलीग्राम मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ नहीं टेलीग्राम पे लोग जुड़ सकते हैं चैनल में कितने भी लोग और डाउनलोड कर सकते अच्छी क्वालिटी में अच्छी गुणवत्ता में इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है सोचूंगी और आपको क्या बोलना है वो बोलिए बस मुझे यही पूछना था कि ये सारे मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए जितने भी वीडियो सभी मुझे चाहिए आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं ठीक है तो आप नीचे से देखिए हाँ
और ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है उसमें भारत सरकार कुछ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो इस्लामी लोगों ने इतना हाहाकार मचा रखा है कि वो रोड बंद करके बैठ बैठ रहे हैं और हिंदू लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, तो अभी उनसे निपटे। या अगर आपके दांत में भी दर्द हो और पैर के अंगूठे में भी, तो आप दांत का दर्द पहले देखोगे ना। नहीं नहीं इस्लाम से ज्यादा घटिया तो ये लोग है ना, नहीं मतलब इस्लाम पास में ज्यादा तो। इस्लाम नहीं, ज्यादा मैं तो इनके, मैं तो इनके पास में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि ये लोग आते रहते हैं और हमारी सोसाइटी वाले लोगों को मुझे मालूम है, लेकिन इस्लाम ज्यादा घटिया है। मैंने तो सारा इस्लाम 3 साल से ज्यादा पढ़ा हुआ है गहराई में। वो तो न्यू बॉर्न बच्ची के साथ सेक्स करके उसका जो दोनों उसके सुराख एक ना हो जाए, ये इनके बहिष्ती जेवर में लिखा हो। बताओ इससे ज्यादा नीच बात पूरे संसार में, इससे ज्यादा नीच बात मुझे दिखा दो कोई तो मैं मान जाऊं। इससे घटिया बात मेरे पूरे संसार में, मेरा ये आपसे वो है चैलेंज है आपको, इससे चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है कि इससे घटिया बात कि एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो और उसके दोनों सुराख एक हो जाएं, तब आप नहाए कि ना नहाए, ये बहिष्ती जेवर जो किताब मुसलमानों में शादी में लड़की को दी जाती है कि उसमें जो है मोहम्मद की बीवियों ने क्या क्या जो है एग्जाम्पल सेट किया है, ये किताब दी जाती है उनको दहेज में एक तरह से, तो उसमें ये लिखा हुआ है। इससे घटिया बात मुझे संसार में कोई दिखा दो जो है इससे घटिया चीज। ये बात भी आपकी ठीक है, क्योंकि एडम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल और जफर एरिटिक, इन तीनों का बहुत ही बढ़िया चैनल है जो इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद ही इस्लाम के होके। मैंने खुद एक्सपोज किया, आपने मेरी कोई भी स्ट्रीम्स देखी नहीं है। ऐसा लगता है आप सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर देख सुनो, आप साहिल और एडम सीकर को भूल जाओगे। आप उनका, वो लोग खाली एक पॉइंट पर सबसे बात करते हैं, बहस करते हैं। मेरे मेरे एपिसोड जो है फर्क है, मैं बहुत मुसलमानों से बात नहीं करती एक छोटी सी बात पर, मेरा अलग स्टाइल है। मैं आपको नॉलेज कैप्सूल देती हूँ, वो नॉलेज कैप्सूल मेरा आपको मिल जाएगा। सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इस्लामिक नॉलेज में, वहां आपको मिल जाएगी। आपका बहुत धन्यवाद गुजराती साधन जी, आप नीचे से बैठ के देखें और मैं अब आगे बढ़ती हूँ। मैंने आपको नया वीडियो दिखाया है स्वामी जी, तो आप जो है खुश रहना इस बात पर। अंशिका सक्सेना जी, मैंने दिखा दिया है वो वीडियो, आपने देख लिया होगा। विनीत जी आपका बहुत स्वागत है। ककाली प्रिया रॉय जी आपका भी बहुत, धन संपत्ति लेने में ये संस्था नंबर वन है, बिल्कुल सही आपने कहा। इनका खाली उद्देश्य ही आपकी संपत्ति लेना है। और जीते जी ये सबसे अपनी विल लिखवा लेते हैं, ताकि अगर इनको कुछ हो जाए तो ये फिर उसको मतलब कम से कम इनके पास वो हो जाएगा, फ्रॉस्टर बैंक है बिल्कुल। फोमो क्रिएट करके ठगते हैं बीके वाले, फोमो क्या चीज है। सिंधी भाई बंद कम्युनिटी ऑल्सो वेरी एफ्लुएंट एंड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल। नमस्ते कल्पना फाटके जी, पहले तो मैं इनके वो सुनती थी ना, वो छाप तिलक वगैरह वो गाने, अब तो मैंने सुनने बिल्कुल बंद कर दिए। परवीन सुल्ताना, इन सबको मैं किसी को नहीं सुनती, ये मेरे को चिड़ मचती है इन लोगों से। मेरे को सूफी म्यूजिक बहुत पसंद था, ये सब कोई नहीं है, ये सब बकवास है। सूफी जो है सबसे ज्यादा जिहादी है, वो प्योर जिहाद है, उसकी भी मेरी स्ट्रीम बनी हुई है। यहां तक तो मैंने पढ़ लिए थे पहले भी। लेखराज पापी प्रेत आत्मा था, बिल्कुल सही। सतीश जी आपका पैसा सतयुग में मिलेगा, और इनके हिसाब से द्वापर युग सतयुग है, कल कर लेंगे। हाँ वो तो मैंने पढ़ लिया था विद इंटरेस्ट। प्रणाम इंदिरा जी, निशा भार्गव जी, जय श्री राम। ककाली प्रिया जी, भगवान के नाम पर कितना घटिया काम। हाँ, और बहुत सारी विमेन जो है ना मेरे को यूट्यूब पर लिखती रहती हैं कि मेरे को सेंटर पे जाके एक बार देखना तो चाहिए, और मैं क्यों इनके पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ, मेरे को तो बहुत ज्यादा जो है पाप मिलेगा, मैं खून के आंसू रोऊंगी, इत्यादि इत्यादि। अगर वो नहीं आते हैं तो कर लेंगे। हाँ अमित जी आपको राम राम, बरगलाने वाले काल ने में
राधा कृष्ण हन्नावर जी, आप बीके हैं, एक्स बीके हैं जी। राधा कृष्ण जी, आपका माइक जो है वो हाँ ड्रॉप हो गए। वो बीकेएस जी आपको राम राम। मैंने कहीं बीके को लॉटरी निकालते हुए देखा है, कुछ यंगर बीके शेयर मार्केट में भी हैं। स्वामी जी मेरे पास बड़े वीडियोस आते हैं इनके ब्लू फिल्म्स के, बीके वालियां किसके साथ क्या कर रही हैं। मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, आगे फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने से उस वुमन की बहुत बदनामी होगी और बुरी बात है। और मुझे उनका पता भी नहीं है कि क्या किसी ने कहीं फोटोशॉप तो नहीं करे हैं, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता है, तो मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। पर अगर ये इसमें कुछ भी सत्यता है तो कितने गंदगी है यहाँ भरी हुई। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, उसकी मर्जी है। ऐसे ही है कैथोलिक्स में भी, जो प्रीस्ट है उसको हायर दर्जा देते हैं जो कि ब्रह्मचारी है, लेकिन भाई बहुत सारे प्रीस्ट इस होड़ में कि हम हेड प्रीस्ट बन जाएं, अपने आप को ब्रह्मचारी डिक्लेयर कर देते हैं और चुपके चुपके जो है सेक्स करते फिरते हैं, तो ये चीज गलत है जी। हाँ बिल्कुल गलत मानती है, इन्होंने हमारे शास्त्रों को खराब किया है। रूबी सिंह जी आपको राम राम, सुभाष जी आपको राम राम। बी के दुनिया के सबसे रिच भिखारी हैं, भिखारी भी शर्मा जाए, भिखारी तो पेट भरने को मांगता है, ये लोग तो मगरमच्छ हैं। जय सिया राम सत्य सनातन जी। सविता गोयल जी राम राम। मैं माउंट आबू में जब अपनी बहन के साथ पहली बार घूमने गए तो वहां की दीदी जो रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी, उसने हमारे कान और नाक के सोने के इयररिंग्स ले लिए और फिर वापस नहीं दिए। आपको नहीं देने चाहिए, और वैसे भी कान के तो मतलब जो आपके सुहाग से रिलेटेड है, आपने अपना सुहाग दे दिया मतलब। सत्य सनातन जी कह रहे हैं नहीं, उनके हिसाब से उचित है मलेच्छ यही करते हैं। गुजराती सीकर जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, बीके भी सेल्वेशन आर्मी है। नहीं, सेल्वेशन आर्मी मांगते नहीं है, सेल्वेशन आर्मी खड़े हो जाते हैं अपना कटोरा लेके कोने में, और जो भी निकलता है अपने ऐसे से करते हैं अपने हैट से, और अपना हैट खोल के सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये काम है उनका। वो किसी से मांगने जाते नहीं है, डोर टू डोर नहीं जाते हैं, जब कोई बड़े से मॉल में एक कोने में खड़े हो जाते हैं अपना एक वो लगा के डंडा, उस पर प्लेकार्ड की सेल्वेशन आर्मी, और स्पेशली रिमेम्बरेंस डे पर। निशा भार्गव जी आपको भी राम राम। बीके वाले खुद को सुविधा देने के लिए, हाँ खुद तुम अय्याशी कर रहे हो दूसरों के डोनेशन पे, ये क्या है, स्कैम है बिल्कुल। 5 लोगों से पैसे ले सकते हैं ये लोग बिल्कुल। इंदिरा तुम्हारे नाम के नीचे ये पाना क्यों लिखा है, पाना। ककाली जी लवी लालची लोग मिलकर सतयुग बनाने की पुष्टि। सतयुग क्या बनाएंगे ये, इनके दिव्य दर्शन मैंने आपको अभी कराया एक नया फाइटिंग वीडियो दिखा के। इंदिरा जी जो है वो एडमिन है और विनी जी मॉडरेटर है। ओ माय गॉड, यू ड्रॉप माय लैपटॉप, व्हाट्स गोइंग ऑन तेजस, बैड बैड। कूल डाउन बेबी, होप यू डिडंट गेट हर्ट, डिड यू गेट हर्ट। सत्य बचन, सत्य सनातन जी, जिसको मुक्ति चाहिए उसको पैसे से क्या लेना देना, ये सब लोभ लालच में पर का साधना को बदनाम कर रहे हैं, योगी को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं बिल्कुल। सविता गोयल जी कह रही है मेरी कजन बीके सेंटर जाती थी, वहां की इंचार्ज उससे पूछती थी तेरे पास कितना सोना है। सविता गोयल जी आप अपनी पूरी एक स्ट्रीम करेंगी मेरे साथ प्लीज, लिखिए तो हम कल परसों जो भी दिन आपको सूट करे उस दिन 8 बजे हम कर लेंगे।
आप मुझे अभी नीचे कमेंट में कंफर्म करिए मेरा कितना सोना ले लिया बीके वालों ने। ओहो निशा जी, यही तो बात है, आप लोगों को नहीं देना चाहिए। देवेंद्र जी आपको भी जय श्री राम। अमित जी कह रहे हैं नारी जाति के कल्याण के लिए बीके का एक भी उल्लेखनीय कार्य या योगदान नहीं है। इन्होंने दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया। ये शादी करती हैं शिव से और खूब सारा दहेज लेती हैं लड़कियों से जो वर्जिन्स होती हैं। वापस नहीं करेंगी ये, कुछ भी वापस नहीं करते हैं। 21 ब्रह्मांड। अच्छा एक कोई बता रहा था ना हमारे चैनल पे आके कि लोन लिया था और किराया उस पर ले लिया था लेकिन इन्होंने कभी वापस ही नहीं किया। ये जो झूठ बोल के लोन भी लेती है ना तो वो भी वापस नहीं करती है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी कौन है तथा असंख्य ब्राह्मण। अरे तुम तो पहले ये खुद समझ लो कि तुम कौन हो और ईश्वर क्या है। तुम्हें हम रामपाल जी महाराज का वीडियो नहीं देखना है हमें, हमें केवल वेद पढ़ने हैं, ठीक है। हमें किसी भी महाराज की कोई भी बात नहीं सुननी है, हमें खाली वेद पढ़ने हैं। और जो भी महाराज हैं वो आदरणीय हैं और अगर वो वेद सम्मत बोलते हैं तो वो ज्ञानी हैं। अभी हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोगों का जो है वो कर सकें कि क्या वो मिश्रित बोल रहे हैं। और थोड़ी सी भी त्रुटि करने के लायक हम क्यों नॉलेज गलत सोर्स से लें। रामपाल जी जो हैं उन्होंने बोला कि क्रांतदर्शी का अर्थ है मतलब काव्य का है कबीर, तो उन्होंने एक वर्ड का गलत अर्थ निकाल के कबीर घुसा दिया उसमें, जबकि वो गलत है, उसका अर्थ होता है क्रांतदर्शी। तो इसलिए आपका जो है रामपाल है इन्होंने भी एक त्रुटि करी है, इसलिए हम जो है एक्चुअल सोर्स से पढ़ते हैं। वृंदावन में हजारों विधवा हैं उनके लिए कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं करती है। बारिक जी आपको राम राम। अमित जी कह रहे हैं इनका बिजनेस जहां चलता है प्रॉफिट दिखाई देता है वहीं खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हम भगवत गीता वेद को मानते हैं, कोई पाखंडी को नहीं मानते। जी मिनट में अपना लैपटॉप अंदर रख दूं क्योंकि ये लोग मेरा लैपटॉप गिरा के ही मांगेंगे, टूट भी गया होगा। काला था, मेरे पास पावर पॉइंट वगैरह नहीं था, पुराने वाले में पावर पॉइंट है। अविनाश शिंदे जी राम राम। प्रशांत राव जी सबको राम राम। आपको शिवानी क्यों नहीं आरटीडिया? आरटीडिया में थी मतलब गुजराती साधक कौन है? बीके के आधार में भी इस्लाम की झलक मिलती है। बिल्कुल, आपके बाहर हुए कि नहीं ये अभी भी बाबा बाबा कर रहे हो? रंगीला रसूल, आरआरआर, चौदहवीं का चांद और बहुत सारे हैं। हाँ, सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर और आरआरआर, ये अगर आप पढ़ लें तो ये ज्यादा, और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये तीन हैं जो मेन हैं। और छोटा सा रंगीला रसूल वाला छोटा सा है, उसमें खास कुछ नहीं दिया हुआ है, तब भी ये भड़क गए क्योंकि नाम टाइटल ऐसा है ना। आज जो झगड़े वाला वीडियो था क्या आप अच्छी गुणवत्ता में भेज सकते हो ईमेल में? बात यह कि ये जो है बहुत सारे लोग चाहेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने मुझे मालूम नहीं है कि क्या मुझे ऐसी चीजें शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को ही डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से काट लीजिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो इज अ यूनिक टर्म। इट इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस, फर्स्टली परसेप्शन ऑफ मिसिंग आउट, फॉलोड अप बाय कंपल्सिव बिहेवियर टू मेंटेन दी सोशल कनेक्शंस। अच्छा, बिशप सबसे बड़ा सेक्स प्रेडेटर है। वीडियो है क्या इंदिरा? नहीं, ये तो वीडियो मेरे ही पास है। मेरे को कई लोग जो है भेजते हैं, बहुत सारे गंदे गंदे वीडियोज भी है मेरे पास। ये बीके वाली क्या क्या कर रही हैं और ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां मिलके क्या सेक्स गेम्स खेल रहे हैं, वो वाले भी मेरे पास वीडियोस हैं, उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये वाला तो था झगड़े वाला, तो ये कोई इतना खास था नहीं इसलिए मैंने दिखा दिया है। ओमपाल जी कह रहे हैं पुनर्जन्म किस लोक में नहीं होता? ब्रह्म लोक, गीता अध्याय। तो ये आप हमें क्यों जान दे रहे हो हमारी गीता का?
तुम कौन होते हो हमको बताने वाले कि हमारी गीता में क्या लिखा है? हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास गीता है और वेद हैं, हमारे पास सारे वेद हैं और गीता है, हमें मालूम है। मैं पूरे गीता के सारे अध्याय पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब ब्रह्म कुमारी का पैसे लूटने का टॉपिक है, तो आप यहाँ पर आके गीता का ये क्यों पढ़ रहे हो कि हमें बता रहे हो? इसका पुनर्जन्म जो आप लिख रहे हो, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। और गीता तो भगवत गीता हमारी है, कोई ब्रह्म कुमारियों की तो नहीं है, सनातनियों की है। और ब्रह्म कुमारी सनातनी संस्था नहीं है। आत्या जी आपको भी राम राम। अनिल जी राम राम। अगर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं, आप क्यों इतने हाईलाइट कर रहे हो? सबका समझा है के करना है, मुझको लग रहा है आपको समझा नहीं है। तो अनिल जी, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, झगड़े तो जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां कुछ ना कुछ होते ही है। मुझे प्रॉब्लम लेखराज की फोटो से है। लेखराज जो एक व्यभिचारी रेपिस्ट था, उसकी फोटो जो है हमारे ब्रह्मा जी के स्थान पर क्यों रखी हुई है? क्यों पोस्टर्स में उसको ब्रह्मा जी के स्थान पर दिखाया हुआ है? मुझे प्रॉब्लम उससे है। और चूंकि आप लोग कहते हो कि हम देवी देवता हैं, जो ब्रह्म कुमार हैं, वो ये कहते हैं हम देवी देवता हैं, हमारे में दिव्य गुण हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो दिखाने पड़ते हैं। क्योंकि ये लोग आम लोग हैं, ये कोई देवी देवता नहीं है, इनके अंदर कोई भी दिव्य गुण नहीं है। आप जो अगर ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारियां हैं, ये कोई भी दिव्य गुण वाली नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाई, ये प्रूव करने के लिए कि यू आर रॉन्ग। बी के ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही गलत और झूठा है, तभी हम उस बग के बारे में आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा, आप होशियार हो जाएं या उनसे खुद को लुटवा लें। बिल्कुल सही बोला। राम राम सिंपली मैन जी। फिर यही बात, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है क्या? जो हमें हमारा वो बता रहे हो, अगर मैं आपको आके आपकी लिखी हुई किताब के ही बारे में कुछ बताऊं, तो ये क्या अच्छी बात है? हम कोई पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं कर रहे। या तो आपका दिमाग खराब है, आप मेंटल असाइलम में जाइए, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, या आप पढ़े लिखे नहीं है। मदरसा छाप तो है ही, ब्रह्म कुमारी भ्रम कुमारी आसुरी मदरसा से पढ़े हुए हैं। बीके वालों ने सफेद रंग की शोभा भी खराब कर दी है, ये बात तो है। आत्या जी आज आप कुछ कर लो कि आपका नेम भी बीके की इक्वल हो, वो नहीं वो है समझो। मैं कोई नाम और पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ। मेरा चैनल फ्री है, न मैं किसी से एक पैसा लिया है न लूंगी, बल्कि अपनी जेब से पैसा भरती हूँ मेंबरशिप का, $240 प्रति साल, ठीक है? और रही बात फेम की, तो मेरे कोई इतने व्यूअर्स भी नहीं है, 43 लोग खाली देख रहे हैं। ब्रह्म कुमारियां के तो ठगी के बहुत सारे जो ठग हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं। तुम्हारे ग्लोबल सेंटर्स बने हुए हैं लोगों से पैसा लूटने के, फेम तुम लोग प्राप्त करते हो टीवी पे, मोटिवेशनल दूसरों की बताई हुई बातें जो है चुरा चुरा के बोल के, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे न तो फेम की है न पैसे चाहिए। गिरीश शिव हरे जी बोल रहे हैं, मैम कल एक बात बताना भूल गया, मेरी पत्नी दुकान से रोज 10 रुपए निकालती थी बीके संस्था को देने के लिए। जी हाँ, ये पैसा तो जरूर लेते हैं। नंगा सभी बीके गलत नहीं होते। नंगा सभी बीके मतलब बीके गलत नहीं है, बीके तो विक्टिम्स हैं। लेखराज जो था वो रेपिस्ट था, इसलिए वो क्रिमिनल था। तुम एक क्रिमिनल की फोटो लगा के लोगों को उस राह में न्योता देते हो आने का, इसलिए तुम लोग पापी हो। आप समझो, या लोग कुछ भी कहे, पर आपको सामना है बीके की आज मुझे वैल्यू तुम लोगों की 0 है। तुम्हारी तो तुम लोग निहा महापापी हो, महापापी हो, और तुम लोगों के खूब रोग हो जाएंगे। दूसरों का पैसा ले लेकर उस पर अय्याशी करते हो, तुम्हें रोग हो जाएंगे।
मुझे बिल्कुल भी वीकेंड जैसा नहीं बनना है, ना मुझे तुम्हारी तरह का वैल्यू या फेयर। तुम अगर वैल्यू इसको कहते हो तो तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। मेरे को तो बहुत बड़ी वैल्यू है मेरी, मैं वेदों के कितने करीब हूं, मेरे मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। मिलते हैं कल एक्स बी के सभा में, और जिनको वेद सुनने हैं तो मिलते हैं सामवेद में। राम राम।